द रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी आज वाराणसी पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किए। उन्होंने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का कार्ड भी भगवान को भेंट किया और उनकी शादी के लिए मंगल कामना की, जिसके बाद नीता अंबानी गंगा आरती में भी शामिल हुई। दर्शन पूजन के बाद नीता अंबानी ने कहा कि मैं भगवान शिव को बेटे की शादी के लिए न्योता देने आई हूँ। आपको बता दें, अनंत और राधिका की शादी होने वाली है 12 जुलाई को। गंगा आरती के बाद नीता अंबानी गुदौलिया स्थित काशी चाट भंडार पहुंची और जलपान भी किया। एक मैडम जी, गुलाब जामुन, मैडम गुलाब जामुन बहुत बढ़िया है। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज बनारस पहुंची नीता अंबानी, जहां पर उन्होंने सबसे पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए और काशी विश्वनाथ को न्योता दिया। उन्होंने 12 जुलाई को होने वाली अपने बेटे की शादी के लिए, ये गर्भगृह की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां नीता अंबानी पूजा करती हुई दिख रही हैं। मंदिर के पुजारी मंत्रोच्चारण के साथ पूजा करवा रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, गंगा आरती में शामिल हुई नीता अंबानी। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखने पहुंची नीता अंबानी और उसके बाद काशी का मशहूर चाट भंडार वहां पहुंची और जलपान किया। 12 जुलाई को शादी होनी है, अनंत अंबानी की शादी होनी है, जिसकी तैयारियां धूमधाम से चल रही है और आज उन्होंने काशी विश्वनाथ को न्योता दिया। तो आज अभी अभी मैं बाबा के दर्शन करके आई हूँ और आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। जैसे आपको मालूम है, हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। तो आज मैंने मेरे बच्चे अनंत और राधिका का निमंत्रण पत्र लेकर आई हूँ बाबा के चरणों में अर्पित करने के लिए। बहुत खुशी का समय भी है, पर ये यहाँ मैं 10 साल के बाद आई हूँ और यहाँ का बदलाव और विकास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी का समय भी है, पर ये यहाँ मैं 10 साल के बाद आई हूँ और यहाँ का बदलाव और विकास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, नमो घाट है और जो सोलर एनर्जी है यहाँ और स्वच्छता, ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है। लास्ट टाइम आप आई थी, अपने बर्थडे पर आई थी, बाद आपने बदलाव का जिक्र किया, लेकिन काशी के लोग भी चाहते हैं कि बनारस को ऐसी कोई निशानी रिलायंस इंडस्ट्रीज दे के जाए ताकि सालों तक लोग उसको याद कर सके। हाँ, तो यहाँ तो मेरा बहुत, काशी विश्वनाथ मंदिर में तो मैं दर्शन करने आई थी 10 साल पहले, बट मेरा कारीगरों के साथ बहुत सालों से रिश्ता है। मैं अभी इसके बाद गंगा माँ की आरती के बाद वहीं जा रही हूँ सब कारीगरों से मिलने। रिलायंस फाउंडेशन और स्वदेश के मीडियम से हम उस उन्हों लाइवलीहुड, रिस्पेक्ट और ग्लोबल रिकग्निशन देना चाहते हैं। हाँ, ज़रूर से मेरे बच्चे अनंत और राधिका के साथ मैं ज़रूर से आऊँगी यहाँ, एक बार शादी हो जाए उसके बाद। और बस मुझे तो ये माँ गंगा और भोलेनाथ बाबा अपने बच्चों पर और सभी भारतीयों पर उनका आशीर्वाद सदा रहे। और हर हर महादेव। मैं 10 साल पहले आई थी और अभी यहाँ मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ गंगा आरती के टाइम आई हूँ और इतना अच्छा लग रहा है, इतनी शांति लग रही है मन में, बहुत ही सुंदर। दर्शन भी किए मैं बाबा विश्वनाथ के। मैम, आप इन्विटेशन एक तरीके से लेके आई, यहाँ पर जो माहौल होता है पीएम मोदी जी, सब लोग आते हैं, अलग ही एंथुसियाज्म रहता है, क्या अनुभव हुआ आपको, अंदर से क्या फील आया, क्या कहना चाहिए? बस ये इतनी शक्ति है यहाँ और जो डिविनिटी में एक्सपीरियंस होता है, दैट ओनली 1 पर्सन कैन एक्सपीरियंस। थैंक यू।